तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन में चार बातें इन्होंने लोगों ने बताई जो बिल्कुल सही हैं, कभी गलत नहीं हो सकती। उनमें से पहली बात ये, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव प्लेट, किसी भी मेटल की प्लेट के लिए जो फोटो सेंसिटिव है जिसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर निकल सकता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो आप रेडिएशन गिरेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से बड़ी है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आज हमने किया जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट है। अगर आप नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा गिरते हो तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा हो जाता है। ये रूल इसने बताया, यानी कि सैचुरेशन करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है। सही है, ये पहली चीज़ थी। दूसरी, उन्होंने कहा देयर एग्जिस्ट अ सर्टन मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी से कम तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, और उस फ्रिक्वेंसी का नाम क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, अब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से भागेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी से भागेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से आप लोग रोक भी पाओगे। तो कह रहे हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन है या स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भागेगा वो फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ फोटोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये बहुत जल्दी होता है। टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट रेडिएशन एंड एमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन आर वेरी लेस, मतलब जैसी फोटोन गिरा उसी टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ऐसा नहीं है फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, दो चार सेकंड लगे, अब वो भागेगा। मतलब टक्कर के बाद 10^-9 सेकंड में ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, नो टाइम, मतलब ये तो बहुत छोटा टाइम है। ये चार बातें इन लोगों ने हमें बताई। अब इनसे पूछा कि भाई इसकी एक्सप्लेनेशन दो, ये चार बातें जो हैं तुम कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, एक्सपेरिमेंट तो ठीक है पर अंदर हो क्या रहा है ये बताओ। इन लोगों को फोटोन नाम का कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, ये तो आइंस्टाइन ने निकाला था, फोटोन नाम की चीज़ होती है, पार्टिकल नेचर आइंस्टाइन का काम था, इन लोगों को नहीं पता लगा कभी भी। तो इन लोगों को तो ये पता था कि लाइट की वेव नेचर है, तो उन्होंने सारी कहानी वेव से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर वो एक्सप्लेनेशन क्या हो गई, फेल हो गई। उसे क्या बोलते हैं, वेव क्लासिकल थ्योरी, पुरानी थ्योरी क्या थी वेव थ्योरी की वो बताओ, और फेलियर बताओ कि वो कहाँ कहाँ फेल हुई थी, क्या अजम्पशन उनकी गलत थी। इसको बोलते हैं वेव पिक्चर ऑफ लाइट। एनसीईआरटी में पेपर में आता रहा है, एक्सप्लेन वेव पिक्चर ऑफ लाइट, एक्सप्लेन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। तो वेव पिक्चर का मतलब वेव के कॉन्सेप्ट से समझाओ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन कैसे थी, ये मानते हुए रेडिएशन की नेचर वेव नेचर है। तो पहला पॉइंट है, ये एज्यूम किया गया क्लासिकल वेव थ्योरी के अंदर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है और कॉन्टिन्यूसली एनर्जी गिरती जा रही है ओवर अ टाइम, ये माना गया। वेव पिक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक फीचर ऑफ लाइट, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नंबर वन फेलियर का पॉइंट क्या था, टू अ वेव थ्योरी, वेव पिक्चर में व्हेन अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, तो जब कोई वेव फ्रंट, क्योंकि वेव पिक्चर है तो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है, तो वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट में जब वेव फ्रंट हिट करता है किसी मेटल सरफेस को तो उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी, तो जो एनर्जी गिरती जा रही है इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, आगे कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, ग्रेटर द इंटेंसिटी ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहे हैं कि अगर मान लो हम वेव ऑप्टिक्स में चलें, क्रेस्ट एंड ट्रफ की अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो याद करो वेव ऑप्टिक्स में उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से अगर एनर्जी ज़्यादा है इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फटाफट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर भागेगा। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आज हमने सीखी उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं था, उसका फ्रिक्वेंसी से लेना देना था। और पहला पॉइंट यही कह रहा है, पहले पॉइंट तो अपनी थ्योरी मार रहा है वेव ऑप्टिक्स की कि मैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ा दूंगा, बड़ी बड़ी वेव लूंगा, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और उससे ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज नहीं हुई, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट है, वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन दी
द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी कहती है कि आप वेव फ्रंट को गेरे जाओ, कमज़ोर वेव फ्रंट है, कमज़ोर वेव है, कोई बात नहीं, आप गेरे जाओ, कभी ना कभी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे जा रहा है, कभी तो भागी जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, अगर आपकी एनर्जी वीक है तो कभी इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड होती है। तो वेव पिक्चर ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही है। अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर क्या बताया गया, एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज इट स्टेट्स दैट नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज, लाइट ऑफ सफिशियंट इंटेंसिटी शुड बी एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। कह रहे कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए, जो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जबकि हमें पता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ ही काम चलेगा। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। तो कह रहे जी वेव थ्योरी कहती है कि पहले वेव फ्रंट गिरेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो भागेगा, बट एक्चुअली द एमिशन इज ऑलवेज इंस्टेंटेनियस, मतलब गिरते ही रेडिएशन गिरती इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, जो वेव थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वेव थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई, इन साइंटिस्ट का काम फेल हो गया। और जब फेल हुआ तो फिर कौन आया, आइंस्टाइन आया। आइंस्टाइन ने कहा मैं समझाता हूँ हुआ क्या है, किया तो आपने सारा कुछ ठीक है, पर मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो आइंस्टाइन ने ये समझाया, आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, और जिसके अंदर उसने ये बताया आप इसको वेव की तरह ना ट्रीट करें, आप लाइट के अंदर क्या माने, डिस्क्रीट फोटोन्स। तो फोटोन्स का कॉन्सेप्ट चलता है, और फोटोन्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये आपका इंसिडेंट फोटोन है, और ये इसका थ्रेशोल्ड है, और यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और उसने ये भी सिखाया क्या कि वेरी फ्यू लेस देन 1% फोटोन्स हुज एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डब्ल्यू नॉट आर केपेबल ऑफ इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कह रहे हैं कि अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 5000 फोटोन 5000 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली तो 1% ही फोटोन होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है वो एमिट कर पाते हैं। देखो ना इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे, फोटोन एग्जैक्ट लोकेशन गिरे ना गिरे पता नहीं, कुछ फोटोन सरफेस रिफ्लेक्ट होकर चले जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब ही हो जाते हैं, तो पता नहीं बहुत वेस्टेज होती है। 1% फोटोन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, बाकी खराब हो जाता है, और जो एमिट करता है उनके लिए वो कहता है ये इक्वेशन वैलिड है। अब 1% तो करता ही है, 1% की जो एनर्जी है वो एच न्यू है, एक फोटोन की एनर्जी जो मान लो, अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो फोटोन इलेक्ट्रॉन एमिट कर पा रहे हैं, उस एक फोटोन की ये एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये वर्क फंक्शन है। तो काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल है और वर्क फंक्शन क्या है, एच इंटू न्यू नॉट। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वेयर न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका जो है इस आइंस्टाइन ने बताया, और उसने उन पुराने साइंटिस्ट ने चार लॉज बनाए थे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, उसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया? पहला उसने ये समझाया कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, आइंस्टाइन कहता है अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी का मतलब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ाते, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज करते हैं जब पर यूनिट टाइम गिर रहे हैं, और जब आप नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाते हैं तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, इसलिए नंबर ऑफ फोटोन्स इजेक्टेड किस पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पे, क्योंकि अगर चार फोटोन है तो चार इलेक्ट्रॉन है, पांच फोटोन है तो पांच इलेक्ट्रॉन है। तो ये उसने एक्सप्लेन कराया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। नेक्स्ट उसने बताया कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से कम है, तो अगर ये फैक्टर न्यू कम है न्यू नॉट से, तो उस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव तो अलाउड नहीं है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव, एमिशन विल टेक प्लेस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशहोल्ड बताया उसने, पर इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होने से कोई लेना देना नहीं है। फिर कह रहे हैं टाइम लैग, वो कह रहे हैं टाइम लैग की कहानी सुन लो, जब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है ये एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में टाइम लैग नहीं होता, तो इसलिए विद इन नो टाइम इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो चार लॉस की चार एक्सप्लेनेशन उसने पूरी उसको एक्सप्लेन किया। तो फिर क्या आया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसको शुरू करते हैं।